Hello my YouTube family, welcome to my channel Sashi's Kitchen. We thank you all for all your love and support and we are now family of more than 1000 subscribers. Aap sabhi isi tarah se hamare video ko watch kare, like kare and share karke hamari YouTube family ko grow kare. Once again, we thank you all. Now we are back to our channel with a new recipe video. तो आज की हमारी रेसिपी बहुत ही पॉपुलर है और ये आजकल हम सभी के लिए एक क्विक स्नैक बन गया है. आज हम बनाने वाले हैं बर्गर, वो भी घर पे. तो आज की हमारी वेज होममेड आलू टिक्की बर्गर रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं. होममेड आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम पेटीज के मिक्सचर को रेडी कर लेंगे. पेटीज यानी कि आप इसे टिक्की भी कह सकते हैं, जिसे हम बर्गर में रखेंगे. तो पेटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम 7 से 8 आलू लेंगे. आलू को हमें वॉश करके बॉईल कर लेना है. तो बॉईल्ड पोटैटोस को हम यहाँ पे मिक्सिंग बोल में स्मैश कर लेंगे. तो देखिए, हमने मिक्सिंग बोल में हाथों से ही आलू को स्मैश कर लिया है. अब स्मैश किए हुए आलू में हम ऐड करेंगे 1 teaspoon फेनल, 2 teaspoon क्यूमिन सीड्स, 2 teaspoon कोरिएंडर सीड्स एंड 1 teaspoon ब्लैक पेपर. इन चारों मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट करके इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है. हम इन चारों मसालों को ऐसे ही नहीं ऐड कर रहे हैं, हमने इसको रोस्ट करके ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया है ताकि इससे हमारे बर्गर में एक अच्छा ही टेस्ट आए. एंड ट्रस्ट मी, इन मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है. अब हम ऐड करेंगे छोटी कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च. 1 teaspoon हम जिंजर ऐड करेंगे. जिंजर को हमने बारीक चॉप किया है, आप चाहो तो उसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं. साथ ही में हम ऐड कर रहे हैं फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर. अब ऐड करेंगे 1 teaspoon रेड चिली पाउडर. नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें, हमने ऐड किया है 1 teaspoon नमक. और इन सभी मसालों में एक और अच्छा टेस्ट आने के लिए हम ऐड कर रहे हैं 1 teaspoon पाव भाजी मसाला, जो कि सभी के घर में ऑल टाइम अवेलेबल होता है. और लास्ट में हम ऐड कर रहे हैं ब्रेड क्रम्स. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमने कोई अलग सा स्पेशल मसाले नहीं ऐड किए हैं. जो हमारे घर में मसाले अवेलेबल होते हैं उन्हीं से हम हमारे घर में आज ये वेज होममेड आलू टिक्की बर्गर बना रहे हैं. तो देखिए, हमने सभी मसालों को ऐड कर लिया है. अब इन सभी मसालों को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. बहुत लोग कई बार कहते हैं कि हम घर में रेस्टोरेंट जैसा बर्गर नहीं बना सकते हैं. एंड आई एम श्योर जब आप ये घर में बनाएंगे तो आप बाहर के बर्गर को खाना भूल जाएंगे. तो चलिए, बातों बातों में ही हमने अच्छी तरह से हमारे मिक्सर को मिक्स कर लिया है. अब इस मिक्सर में हम ऐड करेंगे 2 teaspoon कुकिंग ऑयल. कोई भी नॉर्मल ऑयल जो आप घर में कुकिंग के लिए यूज करते हैं, वही कुकिंग ऑयल हमने इसमें ऐड किया है. और फिर से इन सभी को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. आपको मिक्सर को इतना कंसिस्टेंसी में रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इससे अच्छी टिक्की बनने लगे, यानी कि आपकी अच्छी टिक्की बन सके उतना ही हमें मिक्सर का कंसिस्टेंसी रखना है. और आलू पेटीज का मिक्सर रेडी हो गया है. तो चलिए, अब हम टिक्कीज यानी कि पेटीज बना लेते हैं. अब इस तरह से आपको थोड़ा मिक्सर को अपने हाथों में लेना है और इसे हाथों से ही बॉल शेप में बनाना है. और बॉल शेप जब ये बन जाए तो इसे हथेली से ही अच्छी तरह से आपको इसे फ्लैट करना है. तो बन गई हमारी ये टिक्की. बहुत लोग कहते हैं कि घर में रेस्टोरेंट जैसा बर्गर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. घर पे आप बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी एंड टेस्टी बर्गर बना सकते हैं, जो कि बाहर के बर्गर से बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी रहेगा. तो चलिए, अब हम बर्गर के कुकिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. और इसके लिए हम स्टोव ऑन करेंगे और एक नॉनस्टिक फ्लैट पैन लेंगे. और जब पैन गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल. फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है. और जब तेल गरम हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे बनाई हुई आलू की टिक्की को. तो तेल गरम हो गया है, गरम तेल में हमने पेटीज को डाल दिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें अच्छी तरह से आलू पेटीज को फ्राई करना है. इसे हमें इतना फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए. इसे हमें दोनों साइड से कुक करना है. जब ये एक साइड से कुक हो जाए तो इसे टर्न करके हम इसे दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे. और आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है.
एंड हमने यहाँ पे हमारी रेसिपी में बहुत ही लेस ऑयल यूज किया है। ये इसी वजह से हेल्दी भी है क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि ऑयल में फ्राई किया हुआ खाना अनहेल्दी होता है, जिसके वजह से हमारा ये बर्गर हम लेस ऑयल में बना रहे हैं जो कि बहुत ही हेल्दी भी है। तो देखिए, इसी तरह से हमने सभी पैटीज को ऑयल फ्राई करके हमने इसे साइड में रख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टोव ऑन करेंगे और एक पैन लेंगे, और जब पैन गर्म हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। और जब तक ऑयल गरम हो रहा है, हम आपको बताते हैं कि हमने बेकरी शॉप से ये इस तरह की बर्गर बन खरीदी है। तो इस बर्गर बन से हम हमारे बर्गर को बनाएंगे। और तेल गरम हो गया है, अब इस गरम तेल में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और जब ये दोनों अच्छी तरह से गरम हो जाए, हम इसमें ऐड कर रहे हैं बर्गर बन को, जिसे हमने 1/2 में कट कर लिया है। और अच्छी तरह से हमें तेल में बर्गर को दोनों साइड से सेक लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, और ध्यान रखते हुए आपको इन्हें सेकना है। और इस तरह से बन को आपको अच्छी तरह से सेक लेना है। इसी तरह से आपको बाकी सभी बर्गर बन को सेक लेना है और इन्हें सेक के साइड में रख लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया है, यानी कि हमारी पैटीज भी रेडी हो चुकी है एंड हमारे बर्गर बन को भी हमने सेक लिया है। तो अब हम करने जा रहे हैं प्लेटिंग, यानी अब हम असेंबल करेंगे हमारे बर्गर को। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है और यहाँ पे हम सबसे पहले रख रहे हैं बर्गर को, जिसे हमने सेक लिया था। इस बर्गर की लेयर पे सबसे पहले हम यहाँ पे इस पे लगाएंगे टमाटो केचप। इसे हमें अच्छी तरह से बर्गर पे लगाना है। टमाटो केचप लगाने के बाद में हम बर्गर पे रखेंगे पैटीज को, जिसे हमने ऑयल फ्राई किया था। अब पैटीज रखने के बाद में हम इस पे रखेंगे अनियंस, टमाटोस, क्यूकुम्बर। आप अपने मनपसंद वेजीज ऐड कर सकते हैं। आपको अगर अनियन नहीं पसंद हो तो आप उसे स्किप कर लें, और अगर आपको टमाटो नहीं पसंद हो तो वो भी स्किप करें। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इस बर्गर को अपने घर पे अपने लिए अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। और इसे गार्निश करेंगे फ्रेश कोरिएंडर से। बर्गर में बहुत ज्यादा स्वाद लाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं ओरिगानो सीजनिंग। अगर आपके पास ओरिगानो सीजनिंग नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप इसे यूज करें। हमने यहाँ पे इसे यूज किया है ताकि इससे हमारे बर्गर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आए एंड हमारा बर्गर बहुत टेस्टी लगे। हम ऐड करेंगे चीज स्लाइस को। तो चीज स्लाइस हमने इसमें रख दिया है। अब इस लास्ट बर्गर के पीस पे हम इस पे स्प्रेड करेंगे वेज मेयोनीज को। तो वेज मेयोनीज को हमें अच्छी तरह से बर्गर पे स्प्रेड कर लेना है। और अब हम इस बर्गर की स्लाइस को हमारे बर्गर के ऊपर इस तरह से रख देंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। और लास्ट में इसमें हम डाल रहे हैं थोड़े से सेसमी सीड्स को, जिसे हम तिल कहते हैं। तो ये बनकर रेडी हो गया है हमारा वेज होममेड आलू टिक्की बर्गर। तो हम आपको इसे हर तरह से दिखाते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही सॉफ्ट है एंड बाजार से भी बहुत ज्यादा अच्छा हमारा बर्गर बना है। तो इसे देखकर आ रहा है ना आप सबके मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्टी रेसिपी को घर में जरूर बनाएं और फिर हमें कमेंट्स करके बताएं। आपको हमारा ये रेसिपी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स है प्लीज हमें कॉमेंट्स करें एंड ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोज को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।